सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 3:30 और मैं हूँ जस्ट दुबई के बाहर। प्लान आज का ये है कि मैं जाने वाला हूँ खोर फकन। लास्ट टाइम की तरह खोर फकन में हम लोग ट्राई करेंगे, एक ट्रेल है जिसका नाम है स्वीफा। प्लान ये है कि हम लोग ऊपर जाके सनराइज देखें। जब मैं घर से निकला था तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्रीज था, दुबई के बाहर अभी भी 23 डिग्रीज है। कल यूएई में थोड़ी बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा और भी कूल डाउन हो गया है। तो हम लोग ट्राई करेंगे सुबह 5 बजे पहुंचने के लिए। ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे का रास्ता है इधर से। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और हम लोग पहुंच गए एंट्री पॉइंट के ऊपर। टाउन का नाम है खोर फकन और ट्रेल का नाम है स्वीफा। 6:30 बजे को सनराइज है तो उसके पहले ट्राई करते हैं ऊपर पहुंचने के लिए। तो वो खोर फकन का बीच है और वो खोर फकन फोर्ट है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे वो पीक के ऊपर, वहाँ पे अल राबी ट्रेल है। एकदम अंधेरा है तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे पूरे माउंटेंस वगैरह है और नीचे खोर फकन का टाउन है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, कोई स्पॉट ढूँढेंगे सनराइज़ के लिए और फिर वेट करेंगे। तो अभी मैंने एक स्पॉट ढूँढ लिया है तो हम लोग वेट करेंगे सनराइज़ का। टाइम हो रखा है 6 बजे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए वेट करना होगा और फिर शायद वो डायरेक्शन पे कहीं पे सनराइज़ होगा। लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाइक उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, सिर्फ जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी जो एंट्री पॉइंट था वहाँ से इंक्लाइन थोड़ा मुश्किल था। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेल है, सभी जगह आपको ट्रेल दिखेगी। बस ट्राई करिए सिर्फ ट्रेल पे रहने के लिए। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे ऊपर पहुंचने के लिए। पीछे पूरा समुंदर है, धीरे धीरे हल्की रोशनी होने लगी है। सनराइज का टाइम हो गया, कलर्स चेंज हो रहे हैं स्काई के, थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप हो रहा है। टेम्परेचर अभी शायद 20 डिग्री के आसपास होगा। यूजुअली क्या होता है, अगर आप 2-3 जगह पे ट्रैवल करते हो तो थक जाते हो, आप ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। मेरा आइडिया यही रहता है, मैं एक जगह पे जाऊँ, उधर थोड़ा बैठूँ, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। खोर फकन का मतलब होता है क्रीक ऑफ टू जॉज, एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है और बीच में पूरी ये बे है। तो वो साइड पे है कहीं फुजेरा, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही क्वाइट है। आप आ सकते हो इवनिंग पे या तो मॉर्निंग पे सनराइज़ के लिए। तो 2 ट्रेल है, एक अल राबी ट्रेल है जो हमने लास्ट टाइम की थी और ये एक ट्रेल है जिसका नाम है स्वीफा ट्रेल। अरबिक में शायद इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, पता नहीं है मैं ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है। गूगल पे जो नाम था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ।
अभी हम लोग हाइक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे भी शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वापस जाएंगे ऊपर। तो प्लान ये था बीच पे जाए, लेकिन हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती है, तो आपको इम्प्रोवाइज़ भी करना होता है। तो हम लोग अभी वापस जाएंगे और रास्ते में एक जगह है जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये है फाइदराम का नोट। तो ये जो पिक्चर है ये है खोरफकन बे का, और मेरे जो सामने है वो एग्जैक्टली है खोरफकन बे। अभी हम लोग सुबह ऊपर वहाँ से आए थे, वहाँ पे हमने कहीं नीचे गाड़ी पार्क की है और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ, अभी बजे 8:15। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक छोटा सा पार्क है, अभी थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम लोग दुबई के लिए वापस निकलेंगे। बाजू में रोड है तो काफ़ी सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। बहुत छोटी सी प्यारी सी हाइक थी, बहुत अच्छा सनराइज़ था। ट्राई करें सनराइज़ के 1-1.5 घंटे पहले आने की। अगर ये ट्रेल पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अगली एक हाइक में।